चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की तरफ। आपको बताया, बरेली में भी हिंदुओं का घर बिका हुआ है। जी हां, बरेली के 200 हिंदू परिवार घर बेचकर पलायन करना चाहते हैं। जब यह खबर आई तो न्यूज नेशन ने इस खबर की पड़ताल की। इसमें क्या निकला सच, देखिए। बरेली में हिंदुओं का घर बिकाऊ है। बरेली में हिंदू पलायन करने को मजबूर क्यों हैं? बरेली में इन हिंदू परिवारों को डर क्यों लगता है? दरगाह आला हजरत के पास दरगैया गली में लोगों ने अपने घरों के बाहर पलायन का पोस्टर लगा दिया है, जो बताने के लिए काफी है कि पलायन की चिंगारी अब बरेली तक पहुंच चुकी है। इस इलाके में करीब 200 हिंदू परिवार रहते हैं, जिनका आरोप है कि दरगाह के लोग उन्हें मकान बेचने पर मजबूर कर रहे हैं और धमका रहे हैं कि वो लोग मकान बेचकर कहीं और चले जाएं। इस समय हम मौजूद हैं दरगैया गली में और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये सामने जो हल्का सा पिंक कलर का जो ये मकान है, ये वो मकान है जो इस समय विवादों के घेरे में है। और इस जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि इसके पीछे दरगाह आला हजरत है और इस मकान को दरगाह आला हजरत वालों ने खरीद लिया है, जिसके बाद से इस दरगैया गली के जो हिंदू लोग हैं उनमें काफ़ी नाराज़गी है, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर हर घर के आगे एक पोस्टर लगा दिया है, जिसके ऊपर लिखा गया है कि हम पलायन को मजबूर हैं। क्योंकि इन लोगों का कहना है कि अगर ये रास्ता यहाँ से उन लोग दरगाह आला हजरत वालों ने अगर यहाँ से रास्ता खोल लिया, उसके बाद इन लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा, ये अपने त्यौहार नहीं मना पाएंगे। क्यों लगाया? देखिए, ये पोस्टर कोई अकेले एक व्यक्ति ने नहीं लगाया, पोस्टर सारे ही गली वासियों ने सबने लगाए। सभी लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर सभी हिंदू भाई रहते हैं, एकता बनी रहे, बिगड़े ना। हिंदू भाई यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे मुसलमान का कोई आने का कोई औचित्य नहीं है। आज कई सालों से यहाँ पे हमारे घर के बाहर होलिका जलती है, दीपावली होती है, सारे त्यौहार होते हैं, उसको देखते हुए यहाँ पे लोग मजबूर हो जाएंगे। अगर यहाँ से ये मुसलमान पीछे से यहाँ पे अगर आते हैं, गंदगी फैलाएंगे, हड्डियाँ फेंकेंगे आपके घरों में, धमकियाँ दे रही हैं, हम लोगों को धमकियाँ मिल रही हैं पीछे से कि आप लोग भी, हमने एक मकान खरीद लिया है और आप लोग अपना मकान भी बेचिए। दरअसल स्थानीय लोगों का आरोप है कि आला हजरत के लोगों ने हिंदू बाहुल्य इलाके में जानबूझकर एक मकान खरीद लिया, जिसे तोड़कर वो दरगाह आला हजरत तक पहुंचने के लिए गली में एक नया रास्ता खोलना चाहते हैं, जिसको लेकर हिंदू परिवार में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये है दरगाह दरगैया गली, वो है दरगाह गली, वो इस दरगली को जोड़ना चाहते हैं दरगाह गली से, तो कैसे जुड़ जाएगी? पूरा हिंदू समाज यहाँ पे, मैं बच्चों के रह रहा है, कोई हिंदू यहाँ पे ऐसा नहीं है जो बच्चों के नहीं लेकर रह रहा हो, और बच्चे हमारे घबराए हुए हैं, अगर ये मकान एक हो गया तो सब हमें भागना पड़ेगा। दरअसल दरगैया गली के लोगों को डर है कि इधर से दरगाह का रास्ता खुल गया तो उनके क्षेत्र में मुस्लिम आबादी की आवाजाही शुरू हो जाएगी। इतना ही नहीं, जिस मकान को दरगाह के लोगों ने खरीदा है, उस मकान के आगे उनकी होली भी जलती है, जो भविष्य में नहीं हो पाएगी। नहीं नहीं, सभी लोग बेच रहे हैं, कोई मैंने अकेले नहीं लगाया, पूरे समस्त क्षेत्रवासियों ने लगाया है, क्योंकि यहाँ पे ये पीछे दरगाह है आला हजरत की, इन्होंने जो है ये मकान बेचा है, इसे यहाँ पे खरीद के ये सब जो है पूरा अपना कॉमर्शियल वो बना रहे हैं, जो कि हम लोगों का यहाँ रहना दूभर हो जाएगा, क्योंकि वो लोग जहाँ रहते हैं गंदगी इतनी ज़्यादा फैलाते हैं, जानवर काट रहे हैं, सब यह डेगे चढ़ेंगी, हम लोग कहाँ रह पाएंगे सनातन धर्म वाले। अब पूरा मामला क्या है ये समझिए। दरअसल बिहारीपुर दरगैया गली में किशोर सेठ और उनके भाई सुभाष सेठ का मकान है। किशोर सेठ ने अपने हिस्से का सौदा दूसरे समुदाय से कर लिया, जिसका बैनामा होने वाला था, और इसी का विरोध हिंदू परिवारों ने करना शुरू कर दिया। मामला थाना कोतवाली तक पहुंचा तो पुलिस की मौजूदगी में सहमति बनी है कि मकान अब हिंदू संगठनों को बेचा जाएगा और सोमवार को बयाना वापस करने के बाद एग्रीमेंट कैंसिल करा दिया जाएगा। अब देखना होगा कि सोमवार को यह मामला शांत होता है या नहीं। बरेली से मनोज कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन।